तो अगर आप अपनी राइटिंग जर्नी की शुरुआत करना चाहते हो ना, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप मतलब अपनी राइटिंग जर्नी की शुरुआत करना चाहते हो ना, तो आप मतलब कहाँ से उसको शुरुआत कर सकते हो, मतलब आप कहाँ से उसकी शुरुआत कर सकते हो, किस प्लेटफॉर्म से आप अपनी राइटिंग जर्नी की शुरुआत कर सकते हो। सो विद दिस बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए यार, इन दिस वीडियो मैं बस आपको एक प्लेटफॉर्म के बारे में बताने वाला हूँ जिसको मतलब आप यूज़ कर सकते हो, जिससे आप अपनी राइटिंग जर्नी की शुरुआत कर सकते हो। अब चाहे आप मतलब एक प्रोफेशनल राइटर बनना चाहते हो, या फिर आप एक फ्रीलांस राइटर बनना चाहते हो, या फिर आप एक ब्लॉगर बनना चाहते हो, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इससे आपको ना बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलने वाला है और इससे आपकी राइटिंग स्किल्स भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव होने वाली है। तो ये प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो ये है Quora.com। वैसे टू ऑल दोस हु डोंट नो व्हाट इज Quora.com, तो उन्हें मैं बता दूं कि Quora.com इज बेसिकली अ क्वेश्चन एंड आंसर कम्युनिटी। मतलब यार, यहाँ पे दूसरे लोग आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर आप उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, और फिर आप मतलब उनके क्वेश्चन के आंसर कर सकते हो या फिर वो आपके क्वेश्चन के आंसर कर सकते हैं। तो बेसिकली ये क्वेश्चन एंड आंसर कम्युनिटी है, जहाँ हम लोग मतलब एक दूसरे से क्वेश्चन एंड आंसर कर सकते हैं। तो ये ना आपके राइटिंग जाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि यार मतलब ऐसा होता है ना कि स्टार्टिंग में हमारे पास मतलब टॉपिक्स नहीं होते हैं, कि हमें मतलब ये आइडिया नहीं होता है कि हम किस टॉपिक पे लिखें, हमें मतलब डेली एक नए टॉपिक के साथ आना पड़ता है। तो स्टार्टिंग में ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है कि मतलब डेली एक नए कंटेंट के साथ आना, डेली मतलब एक नए टॉपिक आइडिया के साथ आना। तो आप उस टाइम पे ना कोरा को यूज़ कर सकते हो, क्योंकि कोरा पे ऐसा होता है कि मतलब लोग आपसे क्वेश्चन करते हैं, तो बेसिकली मतलब आपको बना बनाया वहाँ पे कंटेंट मिल रहा है, आपको मतलब टॉपिक्स वहाँ पे बने बनाए मिल रहे हैं, क्योंकि वो जो भी मतलब आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं ना, आप ट्राई करो कि आप उसका आंसर करो। अब देखिए यार, इससे एक बात ये भी होगी कि अगर आप फ्रीलांस राइटिंग करना चाहते हो, तो फ्रीलांस राइटिंग में ऐसा होता है कि आपको डिफरेंट गिग्स पे डिफरेंट मतलब आर्टिकल सीखना पड़ते हैं, मतलब डिफरेंट टॉपिक्स पे आपको आर्टिकल सीखना पड़ते हैं। तो आपको मतलब इस बात का भी नॉलेज होना चाहिए कि आप मतलब डिफरेंट टॉपिक्स पे कैसे लिख सकते हो। जैसे अगर मैं खुद की बात करूँ ना, तो मैंने अपने फ्रीलांस राइटिंग के करियर में अभी तक मतलब 15-20 ऑर्डर्स कंप्लीट किए होंगे, और वो जो 15-20 ऑर्डर थे ना, वो सारे एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट थे। एक दिन मतलब मैंने कोई ट्रैवलिंग पे लिखा है, तो दूसरे दिन मैंने एक ब्रांड पे लिखा है। एक दिन पे मैंने मतलब किसी प्रोडक्ट का रिव्यू लिखा है, तो दूसरे दिन मैंने मेडिटेशन पे आर्टिकल लिखा है। मतलब यार, सारे आर्टिकल्स ना एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट थे। तो बिलीव मी, जब आप मतलब कोरा यूज़ करोगे ना, तो आप मतलब डिफरेंट क्वेश्चन के आंसर करोगे। इससे आपको इस बात का थोड़ा नॉलेज हो जाएगा कि डिफरेंट आर्टिकल्स कैसे लिख सकते हैं, डिफरेंट टॉपिक्स पे कैसे लिख सकते हैं। तो अगर आप फ्रीलांस राइटिंग करने की सोच रहे हो ना, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। बिलीव मी, इससे ना आपको सरदर्द होगी ना मतलब आपका जो क्लाइंट होगा उसको, क्योंकि उसको भी आपका काम पसंद आएगा। तो जस्ट हेड ओवर टू Quora.com एंड क्रिएट योर प्रोफाइल राइट नाउ देयर। वैसे अगर मैं खुद की बात करूं, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया Quora.com यूज़ किए हुए, तो उस पर भी मैं वैसे एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा कि हाउ यू कैन प्रॉपरली यूज़ Quora.com, और वहाँ पे आप मतलब अपने मंथली व्यूज़ कैसे बढ़ा सकते हो, अपने व्यूज़ मतलब वहाँ पे आप कैसे बढ़ा सकते हो, उसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। वैसे मेरे आई थिंक अभी तक मेरी प्रोफाइल पे 60,000 समथिंग व्यूज़ होंगे। आई नो वो कुछ ज़्यादा नहीं है, पर फिर भी बहुत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आए, तो इस पर लाइक और कमेंट ज़रूर करना, और मेरी ऐसी और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।